जय श्री राधे। क्यों हुआ तुलसी और विष्णु जी का विवाह, इसके पीछे की रोचक कहानी जानें। देवठान एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी और विष्णु जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह के पीछे बेहद ही रोचक कहानी है। जानें इस साल तुलसी विवाह की डेट, कथा और उसका महत्व। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मेरे पेज को भी फॉलो जरूर कीजिए और जय तुलसी माँ जरूर कमेंट में लिखिए। दिवाली से 10 दिन बाद देवठान एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवठान एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तो इस साल तुलसी विवाह 24 नवम्बर 2023 को है। तुलसी विवाह कराने से विवाह धन संबंधी हर समस्याओं का अंत होता है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु को तुलसी से विवाह करना पड़ा। बहुत ही रोचक कथा है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तुलसी विवाह 2023 का मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46, दोपहर 12:28 तक, गोधूली बेला शाम 5:22 से 5:49 तक, सर्वा सिद्धि योग पूरे दिन, अमृत सिद्धि योग सुबह 6:50 से शाम 4:01 तक। तुलसी विवाह की कथा, आइए सुनाते हैं तुलसी विवाह की कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम था जलंधर। वह बहुत ही शक्तिशाली था, उसे हराना आसान नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी, उसके प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जलंधर का आतंक इस कद्र बढ़ गया था कि देवतागण बहुत परेशान हो गए। जब कभी भी जलंधर युद्ध पर जाता था तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने में लग जाती थी। विष्णु जी उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया करते थे। तो श्री हरि ने ही तोड़ा वृंदा का पतिव्रत धर्म। आइए जानते हैं उसकी क्या कारण हुए। जलंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान ये निकला, क्यों ना वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि जलंधर को वैसे हराना बहुत मुश्किल था। पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा को स्पर्श किया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और जलंधर की शक्ति छीण हो गई। युद्ध में शिव जी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया था। वृंदा ने फिर भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उसे ये पता चला कि स्वयं विष्णु ने उसके साथ छल किया है तो उसे गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाएं। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा के श्राप को स्वीकार कर लिया क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं और वे एक पत्थर के रूप में आ गए। यह देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करे। क्यों होता है शालिग्राम जी से तुलसी जी का विवाह, इसका कारण जानते हैं। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उगाया जिसे विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसका पूजन तुलसी के साथ ही किया जाएगा। और यही वजह है कि हर साल देवठान एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है। ये मैंने आपको भगवान विष्णु और तुलसी जी के विवाह की कथा बताई कि किस तरह से भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी जी से होता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राधे।